ओम गण गणपते नमः। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर किए जाने वाले व्रत की। सुनेंगे इस व्रत की कथा को। इस व्रत को पजुनो पुनो व्रत कहा जाता है। यह व्रत उन घरों में किया जाता है जहां पर लड़के का जन्म होता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा इस दिन पजुन कुमार के पूजन का विधान है। व्रत नहीं किया जाता जिस घर में लड़का उत्पन्न हुआ हो, केवल उसी घर में ये पूजन होता है। इस दिन 5 या 7 मटकियां पूजी जाती हैं। इन मटकियों में 1 करवे की संख्या भी रहती है। मटकियां चूने या खड़िया से रंगी जाती हैं और करवा हल्दी से। इन पर पूजन कुमार तथा उनकी दोनों माताओं के चित्र बनाए जाते हैं। मटकियां चारों ओर तथा करवा बीच में रखा जाता है। मटकियां विभिन्न पकवानों और मिठाइयों से भरी जाती है। विधि पूर्वक पूजन करके एक स्त्री कथा कहती है तथा शेष हाथों में अक्षत लेकर बैठती हैं। कथा पूरी होने पर मटकियों को हिला हिला कर उन्हीं के स्थानों पर रख देते हैं। लड़का पूजन कुमार की मटकी में से लड्डू निकाल कर माँ की झोली में डालता है। फिर माँ लड़के को लड्डू पकवान आदि देती है। इसके पश्चात घर के सब लोगों को मटकियों का पकवान प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और प्रसाद को बांटते समय ये कहा जाता है, पजून के लडवा पजूने खाए, दौर दौर वही कोठरी में जाए। इसमें सुनी जाने वाली कथा इस प्रकार है। वासुक राजा की 2 रानियां थी, सकौली और रूपा। दोनों रानियां निसंतान थी। सकौली बड़ी थी, उस पर सास और नंद का प्रेम भी अधिक था। छोटी रूपा राजा को बहुत प्रिय थी, इसीलिए वह सास और नंद की नाराजगी की कोई चिंता नहीं करती थी। उसे पुत्र की बड़ी लालसा थी। उसने एक दिन बूढ़ी स्त्रियों से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब उन बुढ़ियों ने कहा कि संतान तो सास और नंद के आशीर्वाद से हो सकती है, पर वे तो रानी से नाराज रहती थी। आशीर्वाद तो दूर की बात है। बूढ़ी औरतों के बताने पर वह ग्वालिन का वेश बनाकर सास और नंद के महलों में गई और सिर पर से दूध की मटकियां उतारकर उनके पांव छुए। तब उन्होंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। रूपा गर्भवती हो गई। उसने सारी बात राजा को बता दी। तब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे महल में घंटियां बंधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा हो या कोई भी कष्ट हो तो तुम डोरी खींचना, घंटी बजेगी और मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। रानी के महल में घंटियों का प्रबंध हो गया। एक दिन रानी ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। तब रानी ने डोरी खींची और घंटी बजने लगी। घंटी बजते ही राजा राज दरबार छोड़कर रानी के महल में पहुंच गया। जब राजा को सारा रहस्य मालूम हुआ तब वह नाराज होकर लौट आया। विवश होकर रूपा को सास और नंद की शरण में जाना पड़ा। वहां जाकर उसने बताया कि मेरा प्रसव काल समीप है, सब ठीक ठाक से हो जाने का उपाय बताइए। तब नंद ने धैर्य बंधवाते हुए कहा कि जब तुम्हारे दर्द हो तब तुम कोने में सिर डालकर ओखली पर बैठ जाना। रूपा ने वैसा ही किया। बालक पैदा होते ही ओखली में गिरकर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर सास और नंद दौड़कर वहां पहुंची। उनके साथ सिकौली रानी भी थी। उसने नवजात शिशु को घूरे पर फिकवाकर ओखली में कंकड़ और पत्थर डाल दिए। सास और नंद ने रूपा को बताया, अरे तूने तो कंकड़ और पत्थर को जन्म दिया। वहीं राजा भी प्रसव का समाचार पाकर भागा भागा आया, पर कंकड़ और पत्थर देखकर चकित रह गया। राजा अपनी माँ और बहन की चालाकी तो समझ गया पर कुछ भी कह नहीं सका। जिस दिन रूपा ने बच्चे को जन्म दिया था उस दिन चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। उसी दिन एक कुम्हारिन घूरे पर कूड़ा डालने आई। रात में खेलते हुए बच्चे को वह अपने घर ले गई। वह भी निसंतान थी। उसने बड़े लाड और प्यार से उसका पालन पोषण किया। बड़ा होने पर कुम्हार ने उसे खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बनाकर दिया। लड़का उस घोड़े को नदी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता, मिट्टी के घोड़े पानी पी, चे 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 पानी पी। उसी जगह राजा के रानीवास की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। एक लड़के को ऐसा करते देखकर एक स्त्री ने कहा, ए कुमार के छोकरे, तू पागल हो गया है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं ही पागल नहीं हूँ, यह तो सारा संसार ही पागल है। क्या कभी रानियों के गर्भ से कंकड़ और पत्थर पैदा होते हैं?
लड़के की बातें सुनकर सारी स्त्रियां समझ गई कि यह हो ना हो रूपा रानी का ही बेटा है। उन्होंने महल में लौटकर रानी सकौली से कह सुनाया कि उसकी सौत का लड़का तो कुम्हार के घर में है। रानी ने उसे मरवाने का षड्यंत्र किया। वह मैले कपड़े पहनकर केकई की तरह कोप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक अमुक कुम्हार का लड़का मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, मैं अन्न और जल को ग्रहण नहीं करूंगी। राजा द्वारा उसका अपराध पूछने पर उसने बताया कि वह हमारी दासियों को बहुत चिढ़ाता है। राजा समझदार था। राजा ने तर्क दिया कि इस अपराध के कारण उसकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे इस गांव से निकाला अवश्य जा सकता है। इस बात पर रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के लड़के को गाँव से बाहर निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद लड़का अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रूप बदलकर दरबार में आने लगा। राजा उसे किसी कर्मचारी का पुत्र समझता रहा और राजमंत्री राजा का संबंधी समझते रहे। परिणामतः उसे कहीं भी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा गया। उसके आचरण से सब प्रसन्न और संतुष्ट थे। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर राजकाज की सारी बातें ध्यान में रखता था। एक साल ऐसा आया कि राजा के राज्य में जल नहीं बरसा। सारा राज्य अकाल ग्रस्त हो गया। राज पंडितों ने राजा को सलाह दी कि यदि राजा रानी रथ में बैल की तरह कंधा देकर चली तथा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उत्पन्न हुआ द्विजातीय बालक रथ को हाके, तभी वर्षा होने का योग बन सकता है। यह सुनकर कुम्हार के बालक ने बताया कि मेरा जन्म उक्त दिन पर हुआ है, मैं रथ भी हाँक सकता हूँ। इधर रथ चलाने की तैयारियां होने लगी। उधर बालक रूपा रानी के पास गया और कहने लगा, यदि तुमसे कोई रथ से संबंधित काम करने को कहे तो तुम कहना कि पहले हमारी जेठानी करे, तब मैं करूंगी। हर काम में तुम उसे ही आगे रखना। रूपा ने बालक की बात स्वीकार कर ली। रथ चलने का समय आ गया। रूपा रानी को जगह लीपने के लिए कहा गया। तब रूपा ने उत्तर में कहा कि पहले जेठानी लीपेगी, फिर मैं लीपूंगी। इस प्रकार सकौली रानी द्वारा लीपने के बाद रूपा ने भी जगह को लीप दिया। इसी प्रकार कंधा देने के समय भी सकौली रानी को ही पहल करनी पड़ी। जब सकौली ने कंधा दिया, उस समय तेज धूप थी। राजकुमार ने पहले से ही मार्ग में गोखरू के कांटे बिखेर के छोड़ रखे थे। इधर नीचे पांव में तो रानी के कांटे गड़ते गए और उधर ऊपर से वह कोड़े बरसाता। उसे छुटकारा तभी मिला जब रथ निश्चित सीमा तक पहुंच गया। अब रूपा रानी की बारी थी। रूपा रानी के रथ को कंधा देते ही आसमान में बादल छा गए। रास्ते में गोखरू हट गए। रूपा रानी को जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। रथ चलाने का काम पूरा होते ही वर्षा होने लगी। सभी बड़े प्रसन्न हुए। तभी राजकुमार ने रूपा रानी के पास जाकर उसके चरण छुए, जिससे सबने जान लिया कि यही रानी का पुत्र पजुन कुमार है। राजा ने भी उसे अपना पुत्र जानकर गले लगा लिया। सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। पजुन कुमार सबसे मिलकर रनिवास में आया। वह सबसे पहले अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, दादी हम आए, क्या तुम्हारे मन भाई? तब दादी ने उत्तर दिया, बेटा नाती पोते किसे बुरे लगते हैं। पजुन कुमार बोला, तुमने मेरे मन की बात नहीं कही। तुम्हारी बात बेकार और अधूरी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अगले जन्म में दहलीज होगी। फिर वह बुआ के पास जाकर बोला, बुआरी बुआ हम आए, क्या तुम्हारे मन भाए? बुआ ने दादी का ही समान उत्तर दिया। परिणामतः उसने बुआ को चौका लगाने वाला मिट्टी का बर्तन हो जाने का श्राप दे दिया। फिर वह अपनी सौतेली सकौली माँ के पास जाकर बोला, मामा हम आए, क्या तुम्हारे मन भाए? सकौली माँ का उत्तर था, आए सो अच्छे आए, जेठी के हो या लहूर के हो तो लड़के ही। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुमने भी मेरे मन की बात नहीं कही, तुमने तो रूखी बात कही है, इसीलिए तुम गुंगुची बनोगी, आधी काली और आधी लाल। अंत में वह अपनी असली माँ रूपा रानी के पास गया और बोला, मामा हम आए, तुम्हारे मन भाए या ना भाए? रूपा रानी बोली, बेटा आए आए, हमने न पाले न पोसे, न खिलाए न पिलाए, हम क्या जाने कैसे आए। तभी वह
किशोर राजकुमार नवजात शिशु के रूप में केहा केहा करके रोने लगा। माँ ने उसे गोद में लेकर दूध पिलाया। राजा को भी यह समाचार मिला। तब राजा यह सब देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सारे राज्य में फिर से आनंद छा गया। बधाइयां बजने लगी और इसी दिन से पूजनों पुनों का प्रचलन हुआ है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें।